वो भयानक रात भाग दो। सड़क पर कोई था? मैं समझा नहीं बेटा, सड़क पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, ना ही आसपास कोई परछाई। फिर तुम टकराए किस चीज से? मतलब किस चीज से टकराई थी कार? संग्राम सिंह ने राहुल को अजीब तरह से घूरते हुए कहा। राहुल का चेहरा घबराहट से लाल हो चुका था, जो कि कार की जलती हुई इंडिकेटर में रह रह कर दिख रहा था। पता नहीं पापा, ऐसा लगा कोई था सड़क पर, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। लगता है ऐसा लगा जैसे कोई अचानक से कार के सामने आया होगा। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा पापा, पर उसे बचाने के साथ ही यह सब हुआ। पर सच में वहाँ सड़क पर कोई तो था जो कार से टकराया था। राहुल की इस तरह की बात सुनकर सभी का घबराना और सवाल पूछना कोई अजीब बात नहीं थी। गीता भी काफी घबराई हुई थी। अगर ऐसा था तो मैं सामने बैठी थी, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया राहुल। मैं सच कह रहा हूँ, हो सकता है हम बात करने में इतने मशगूल हो गए थे कि ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाए। पर मुझे पूरा यकीन है कि कुछ तो था, क्योंकि टकराने की आवाज भी हुई थी। राहुल अब भी परेशान था और पेड़ से भिड़ी हुई अपनी कार को घूर रहा था। सभी लोग ये जानने में लगे थे, आखिर ये सब अचानक हुआ कैसे? बेटा लगता है तुम्हें वहम हुआ है, हो सकता है तुम काफी थक गए हो, बात करते हुए तुमने ध्यान नहीं दिया होगा और गाड़ी बहक गई होगी या कोई गड्ढा आ गया होगा। वैसे भी काफी अंधेरा है, अब जाने दो, वहाँ तो कोई भी नहीं है और भगवान का शुक्र है हम सब सही सलामत हैं। चलो देखते हैं गाड़ी तो ठीक है ना, वरना आज रात इस घने जंगल में तेरी मम्मी की भूतों वाली कहानियाँ सुन के बितानी पड़ेगी। इस छोटे से एक्सीडेंट के पीछे फिर तेरी मम्मी कोई भयानक कहानी रच लेगी, संग्राम सिंह ने चिढ़ते हुए कहा। और वो कार की तरफ बढ़े और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उन्होंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। कोई फौजी ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट से कैसे घबरा सकता था? कार चालू करने की भरसक कोशिश की गई, पर इंजन आवाज करके शांत हो गया और इसी के साथ पूरा जंगल भी एक पल को शांत हुआ लगने लगा। बेटा ये कैसी सुनसान सड़क है? अर्चना सड़क के दोनों तरफ देखते हुए बोली। ना कोई रोशनी और ना ही कोई गाड़ी आ रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अर्चना शायद उस कहानी को रचने लगी थी जिसका जिक्र अभी संग्राम ने किया ही था। अरे मम्मी, आपने ही तो कहा था आज अमावस की रात है तो अंधेरा तो होगा ही, और वैसे भी जंगलों में रोड लाइट्स तो होती नहीं है मम्मी, आप प्लीज ये सब सोचना बंद करो, राहुल ने कहा, क्योंकि वो जानता था अर्चना के डरे हुए बर्ताव को और अभी समय वहां से निकलने का था, इन कहानियों का नहीं। तभी संग्राम सिंह से कार स्टार्ट हो गई और वो कार को रिवर्स गियर में डालकर पीछे सड़क पर ले आए। राहुल अर्चना और गीता को कार की तरफ लेकर चला आया। चलो सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ फटाफट, शुक्र है बोनट और हेडलाइट्स के अलावा सब ठीक है और ये स्टार्ट हो गई। वाकई कार को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और कार अब स्टार्ट भी हो चुकी थी। संग्राम सिंह ऐसे मुस्कुराए जैसे डूबते हुए इंसान को नाव मिल गई हो, और वो भी पूरी की पूरी। और अब इसी नाव में उन्हें अपनी फैमिली को जंगल पार करवाना था। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो गाड़ी चालू हो गई, अर्चना ने हाथ जोड़कर कहा। अर्चना संग्राम सिंह के साथ आगे की सीट पर बैठ गई और इस बार राहुल और उसकी पत्नी गीता पीछे की सीट पर बैठे। उस घने जंगल की दशा ऐसी थी कोई भी वहां से जल्दी ही निकलना चाहेगा। गाड़ी वापस सड़क पर थी, बीचों बीच जंगल के सन्नाटे में इंजन की घुन घुन वाली आवाज किसी जानवर की गुर्राहट की तरह गूंज रही थी। तभी राहुल ने पूछा, क्या हुआ पापा, गाड़ी चालू करके आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए गाड़ी निकालिए यहाँ से। कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा, पर ना जाने ऐसा लग रहा है कि कार आगे नहीं बढ़ पा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ना चाहती। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, देखो गियर भी डाला हुआ है, एक्सीलेटर भी दबा रहा हूँ, पर अभी तो सब ठीक ही लग रहा था, अब देखो तो सही अचानक इसे क्या हो गया। मुझे तो लगता है कार में कोई गड़बड़ी हो गई है पापा। अरे इतने जोर से जो पेड़ से टकराई थी, आप यहीं रुकिए मैं बाहर जाके देखता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम हो, राहुल ने कहा और उसने कार का दरवाजा खोला। पर अर्चना ने मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा कार से मत उतरना, जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ए जी आप कोशिश करिए, कार चल जाएगी। अर्चना सहमी हुई थी
वह किसी भी तरह की मुसीबत को नहीं बुलाना चाहती थी और शायद जंगल को भी महसूस कर रही थी। कभी कभी वहम सच भी हो जाता है, आगे क्या होगा कौन जानता है। क्या मम्मी, आप भी ना, अगर गाड़ी चल सकती तो अब तक हम आगे निकल चुके होते ना। चेक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वाकई हम यहाँ फंस जाएंगे। और आप इतना डर क्यों रही हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। पापा जरा वो टॉर्च देना। फिर राहुल टॉर्च लेकर बाहर आ गया और कार का बोनट उठाकर चेक करने लगा। अर्चना और गीता का ध्यान कार के शीशे से बाहर की तरफ ही था, जैसे वो कुछ खतरे को भांपने की कोशिश में थे और संग्राम सिंह कार को चालू करने की कोशिश में थे, क्योंकि उन्हें किसी खतरे से डर नहीं लगता था। तभी अचानक कार के बाहर से राहुल की एक जोरदार चीख सुनाई थी, एक ऐसी जोरदार आवाज जिसने किसी डर को छू लिया हो। इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।